यह बात जब की है जब मोटू पतलू दोनों छोटे थे। वह दोनों एक साथ एक ही घर में रहा करते थे, दोनों साथ में खाना खाते और दोनों साथ में ही सोते। मोटू पतलू के घर के सामने एक घर था, उस घर में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। लेकिन कुछ समय बाद दादी की मौत हो जाती है, क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और दादी मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है, क्योंकि दादी ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई धर्म पुण्य का काम नहीं किया। एक दिन रामू अपनी पत्नी गोली से बोलता है, गोली तुझे पता है मोटू पतलू के घर के सामने वाली दादी मर चुकी है और वह एक चुड़ैल बन गई है। फिर गोली बोलती है, हाँ जी मुझे पता है, बेचारे मोटू पतलू दोनों कैसे रहते होंगे, वह दोनों बहुत नादान है, कभी वहाँ चले गए तो उनको वह मार देगी। उधर मोटू पतलू से कहता है, पतलू तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि कल रात को तुम्हारे सोने के बाद अपने गेट की जोर जोर से बजने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैंने डर के कारण गेट नहीं खोला। फिर पतलू बोलता है, मोटू तुम मेरे होते हुए डरो मत, कल रात को चुड़ैल ने तुमको परेशान किया ना, अब देखो मैं चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा, आज ही उसके घर जाकर उसको मार दूंगा। फिर मोटू बोलता है, नहीं नहीं पतलू कोई बात नहीं, तुम वहाँ मत जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगा, तुम ही एक मेरे जीने का सहारा हो। लेकिन पतलू मोटू की बात नहीं मानता और जल्दी से अपने घर से निकल जाता है दादी के घर जाने के लिए। जैसे ही पतलू दादी के घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ चुड़ैल दिखती है और बोलती है, अरे वाह आज तो मेरा खाना मेरे पास चलकर खुद ही आया है, अब तो पतलू बेटा मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी और डकार भी नहीं लूंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर पतलू को बहुत तेज गुस्सा हो जाता है और पतलू बोलता है, सुन ले मेरी बात चुड़ैल, कान खोल कर मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे घर कभी मत आ जाना वरना तेरी चटनी बना दूंगा। फिर चुड़ैल बोलती है, पतलू के बच्चे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे इतना कुछ बोला, अब ले तू मेरे हाथों से गया। इतना कहकर चुड़ैल पतलू को अपनी जादू की शक्ति से एक कुत्ता बना देती है, तो पतलू बहुत तेज चिल्लाता है, मोटू मुझे बचाओ, मोटू मुझे बचाओ। उधर मोटू को पतलू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो मोटू बोलता है, अरे यह तो मेरे पतलू के चिल्लाने की आवाज है, मैंने मना किया था मेरे पतलू को वहाँ मत जाना, अब पता नहीं चुड़ैल ने पतलू के साथ क्या किया होगा। मोटू वहाँ हिम्मत दिखाकर चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी आप मेरे पतलू को माफ कर दो, बेचारे मेरे पतलू ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आपने मेरे पतलू को कुत्ता बना दिया, प्लीज आप मेरे पतलू को सही कर दो, बदले में आप जो भी बोलोगे मैं वह सब आपके लिए करने को तैयार हूँ। फिर चुड़ैल बोलती है, मोटू मुझे तुम्हारी दोस्ती देखकर बहुत दया आ गई, और तुम वैसे भी मेरे पड़ोसी हो, तुम बस मेरे लिए इतना सा कर दो, मेरी बॉडी को तुम जला दो तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर मोटू जल्दी से जाकर दादी का अंतिम संस्कार कर देता है, तो इधर पतलू अपने आप सही हो जाता है और दादी की आत्मा को शांति मिल जाती है।